Next question. Question says two balls are dropped from height h and 2h respectively from the earth's surface. Ratio of time of these balls to reach the earth will be. हमारे ऑप्शन है 1:2 या फिर सॉरी 1:√2 या 2:1 या फिर 2:1 या फिर 1:4. अगेन बहुत सिंपल सवाल है. अगर आपने गेंद को ड्रॉप किया h हाइट से, दूसरे को ड्रॉप किया आपने 2h हाइट से, हमें ये बताना है कि टाइम टेकन कितना होगा. टाइम जो होता है अपना वो दिया होता है √2h/g. नाउ ये इंडिपेंडेंट है मास के, ये दोनों को आपने ड्रॉप किया है तो मास वास से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. तो अगर हम टाइम की बात करें तो आपका T1 डिवाइडेड बाय T2, अगेन ये आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिर्फ H1 और H2 के, बिकॉज G और 2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, तो इसमें बस वैल्यू डाल दी हमने. तो H1 की वैल्यू H है, H2 की वैल्यू 2H है, यानी कि ये आपका 1:√2 वैल्यू आ जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A 1:√2 वुड बी द राइट आंसर.